मुंबई के गोरेगांव पूर्व की आर्य कॉलोनी के मरोल रोड पर श्री राम मंदिर में बीजेपी के पूर्व नगर सेवक मूरजी पटेल द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मरोल नाके के श्री राम मंदिर में अपने हाथों से साफ सफाई करके जनता को स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की जानकारी दी और सभी लोगों से देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई करने की अपील की। इस दौरान मंदिर सफाई अभियान में बीजेपी नेता मूरजी पटेल के साथ साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। बहुत ही हर्ष की बात है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा होगा। ये 500 साल लंबी लड़ाई मुगली शासन ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर आक्रमण करके हमारी आस्था को चोट पहुंचाई, आस्था पर वार किया, उस संघर्ष में जिसमें हजारों लाखों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जुटे रहे, उस संघर्ष का संविधान के आधार पर शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, उनकी विरासत का विषय है, उनकी परंपरा का विषय है। और मैं समझता हूं देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस बात से गौरवान्वित नहीं महसूस करेगा कि प्रभु श्री राम अपने सही स्थान पर विराजमान होंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक आह्वान दिया कि हम सभी तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने का अभियान चलाएं। उन्होंने स्वयं एक मंदिर में श्रमदान किया और करोड़ों भारतवासियों को प्रेरणा दी कि हम सब भी एक गिलहरी के मार्फत, एक गिलहरी की तरह हम भी अपना योगदान तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने में दें। तीर्थ स्थल हमारी श्रद्धा का केंद्र होते हैं, हम यहाँ पे आके पूजा आस्था करते हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है मंदिर और बाकी सभी तीर्थ स्थलों से, और उनको स्वच्छ रखना हम सबका सामूहिक दायित्व भी है। उस कर्तव्य भावना से आज कुछ मित्रों ने मरोल एरे कॉलोनी के हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि बहुत भव्य मंदिर प्रभु श्री राम का यहाँ पर है, तो मैं दर्शन करने आया था और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी श्रमदान करूं। हमने देखा किस प्रकार से वर्षों पुराना प्लास्टिक बॉटल, कोई छोटे सैशे के पैकेट्स, अलग अलग प्रकार से हमारे प्रांगण को प्रदूषित करते हैं, देश को भी प्रदूषित करते हैं। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो उच्च सोच इसमें दर्शाती है, वो देश के हर तीर्थ स्थल पर कोई ना कोई भारतवासी जाके उसको स्वच्छ करे, साफ सुथरा करे, और हम आगे भी इसी प्रकार से लगातार अपने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, तो अपने आप में एक बड़ी क्रांति देश में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।